गाइस आज है छोटी दिवाली और मैंने अभी नहा ली हूँ। अभी बज रहे हैं शाम के 5 एंड मैं यूज़ कर रही हूँ शील्स का राइस वाटर शीट मास्क और ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट दिया इसने और प्राइस में बहुत ही कम था, 50 रुपये का ये शीट मास्क है। मैंने इसको यूज़ किया एंड उसके बाद हम लोग मार्केट गए। तो गाइस वी आर गोइंग फॉर शॉपिंग एंड क्या लेने जा रहे हैं हम? मना कर देती है आजकल। तो हम लोग जा रहे हैं कुछ सामान लेने के लिए बिकॉज हमको बनानी है रंगोली एंड रंगोली के कलर हमारे पास थे थोड़े से कम। सेम कलेक्शन ठीक है रह जाएंगे। चलो अच्छे जाओ, अपन को खटाखट लेना है, टाइम वेस्ट नहीं करना होगा। इससे अच्छी दुकान और कहाँ मिलेगी? तो चलो ले चलो, तो एक्सपेंसिव है तो क्या हो गया, एक्सपे अपन क्या हाँ लिपू के अच्छा कपड़ा लेंगे भाई। मैं आपके लिए सुंदर वाले शूज़ दिलाऊँ आ जाओ आराम से आना भाई आराम से। वैसे ये पीस अच्छा लग रहा मेरे को, ऐसे सुंदर लग रहा। चलो आ जाओ, वो दूर है क्या दुकान? तो फिर पहले नहीं फिर ये वाला सामान ले लूँ। चलो आ जाओ, बट इसमें कैसा कलेक्शन है उस टाइप में पता नहीं, मैंने तो कोई आइडिया नहीं। चप्पल पहनी है मैंने, जूते पहने हैं मैंने। लिपू कैसे करता भाई आपको जी? कला चल रही है यहाँ पे है ना, ये अपन ब्लॉग में डालेंगे थोड़ा सा हिस्सा। हरिओम जी बना रहे हैं यहाँ पे गोल, फिर बीच का काम करूंगी मैं यहाँ वाला। देखते हैं हरिओम जी कैसे करते हैं, आप लोग बताना हरिओम जी को। आराम से उठाना बिल्कुल। ओ माय गॉड व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन। ओ माय गॉड लिटरली अनबिलीवेबल। आपका मन चाह काम पूरा करें। थैंक यू। मत करो, नहीं बिल्कुल नहीं, दीपावली का शगुन है। विजी पप्पा ने आपके लिए लाया सब कुछ। निशान भी कूटू पूटू जी। ठीक है छोड़ो, नाश्ता लेकर आए मार्केट से। हाँ। क्या क्या लाए, सबके नाम पता है क्या आपको? बताओ ना जरा सा, ये आप खा रहे हो उनका नाम क्या है? क्या बोलते हैं इनको, नाम बताओ आप। फिर खमंड बोलते हैं क्या? अच्छा, और इनको क्या बोलते हैं? ओके, एंड इनको क्या बोलते हैं? जलेबी है ये। और ये किन्हें निकाले शानवी? खुद से ही। अच्छा चलो भाई, तो हम लोगों का हो रहा है ब्रेकफास्ट और अभी लेकर आए हरिओम जी केले के पत्ते वगैरह। तो यहाँ पे करेंगे हम लोग थोड़ा सा पूजा पाठ की प्रिपरेशन और जो मुझे कपड़े बनाने थे मैंने सारे कपड़े बना दिए हैं, वो रखे हैं एग्जैक्टली देयर, सब बना के रख दिए। बस मेरी खुद की साड़ी का ब्लाउज बन जाए अब तो गनीमत हो जाए। और अभी शानवी के लिए शॉपिंग करने के लिए अभी हम लोग जाएंगे और भी बहुत कुछ चीज़ें लानी है, आप लोगों को आगे ब्लॉग में देखने को मिलेंगी। तो ब्लॉग को अंत तक देखिएगा और एंजॉय करिएगा। सही लग रही है, परफेक्ट है ये, ज़्यादा लूज है बहुत। ठीक है इसको भी कर दूं, इतनी काट दी तुम्हारी इच्छा जैसे बोल दो। नहीं इतनी ठीक है इतनी।
ठीक है फिर इसको भी कर दीजिए। जैसे गणेश जी बैठे थे ना, देखो दरवाजा हाँ बहुत प्यारा लग रहा है। इसको थोड़े दिन लटके रहने दूंगी मैं। रंगोली सुनो इसको बाद में डालेंगे, पूरा तुम बना लेना। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, कलर तो बहुत लिया ही हो। और बनाने वाला साँचा भी रखा है मेरे पास, अगर कुछ नीड लगेगी, अगर मान लो बड़े पैर की, तो ये रखा है। ठीक है तुमसे मांग लूंगी मैं कल। पता दीदी कितने 3-1 बजे से बनाने बैठ जाऊँ। बिल्कुल तुम तो हाँ बनाना, ताकि टाइम भी लगेगा तो आराम से। गाइस अभी बज रहे हैं 2 एंड मैं बना रही हूँ भजिया। और एक्चुअली मुझे ज़्यादा आता नहीं है, तो मैंने इसको भजिया को बना दिया है दाल जैसा पेस्ट। आई थिंक सही है कि गलत है पता नहीं। ये पालक के भजिए हैं, अभी मैं बनाती हूँ, देन आप लोग को बताती हूँ कि मैंने अच्छे बनाए या नहीं। और हरिओम क्या कर रहे हैं एक बार आप लोगों को दिखाती हूँ। ठीक है एक बार हरिओम जी को दिखाते हैं। 1 सेकेंड रुकेगा, नहीं दिखा है, चलो ठीक है नहीं दिखा रहे। हरिओम जी कैन आई शो यू? तो हरिओम जी का चल रहा है काम। हरिओम जी ने यहाँ से पूरे एलोवेरा निकाल दिए हैं और यहाँ लग। तो गाइज आप लोगों ने देखा कि मेरे दिन की शुरुआत कितनी अच्छी चीज़ से हुई थी। सबसे स्टार्टिंग का जो क्लिप था, वहाँ पर आए थे जो ट्रांसजेंडर होते हैं किन्नर, वो हमारे घर आए थे और उनको मैंने जो भी अमाउंट मुझसे बना वो मैंने दिया। एंड उससे मेरी शुरुआत हुई सुबह की। सबसे पहले उनकी दरवाज़ा, मतलब मैंने सबसे पहले अगर किसी को देखा है तो वो मैंने सुबह उनको देखा है सबसे पहले। एंड उसके बाद फिर हम लोगों ने हरिओम ने मार्केट से खाना लेकर आए थे, वो लोग हम लोग खाना खा लिए कुछ। एंड देन उसके बाद हरिओम की इच्छा थी कि आज भजिए बनाएं, क्योंकि पालक रखी थी घर पे, तो उनका कहना था कि अभी यूज़ हो जाए तो फेंकना पड़ेगा उसको। तो फिर मैंने भजिए बनाए। एंड आप लोगों को पता है कि वेजिटेबल हमेशा वही काटते हैं, प्याज मिर्च जो भी हो, उन्होंने काट के दे दिया। एंड मैंने बनाई, मतलब बहुत कम बनाती हूँ, साल में 1-2 बार ही मेरा नंबर आता है खाना बनाने का, इस टाइप का चीज़। और उसके बाद जो है यहाँ पे हर्षु बना रही है रंगोली। यहाँ पे मैंने वॉइस ओवर क्यों, मतलब वॉइस कम क्यों की है, बिकॉज़ उसके मोबाइल में चल रहे थे गाने, उनका आ जाता कॉपीराइट, इसलिए मैंने उसको ऐसे कर दिया। बाकी हर्षु लगा रही थी रंगोली, मैंने मेहंदी बोल दिया शायद अभी, तो वो बना रही थी यहाँ पे रंगोली। एंड गाइस जो आपने अभी कुर्ती देखी थी हर्षु की, मतलब कि उसकी जो कुर्ती थी, एक वाइट कलर की एक रेड कलर की, रेड कलर की आपको आगे दिखेगी शायद, उन दोनों में मुझे लगानी थी फिटिंग। और उसकी इच्छा थी आज वो ही पहने वो वाली, बट आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा, मैं नहीं बोल रही हूँ कुछ भी। एंड ये थी उसकी सेकेंड कुर्ती। हेलो गाइस, हेलो एवरीबॉडी, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम मी एंड फ्रॉम माय फैमिली। से हैप्पी दिवाली सभी को। हैप्पी दिवाली बोलो सबको। हैप्पी दिवाली बोलो। हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू गाइस। हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। अच्छा बोल दो आई लव यू। तो गाइज हम लोग जा रहे हैं मार्केट और मैं तैयार हो गई हूँ। एंड बस हम लोग अभी निकल रहे हैं जस्ट, तो मैंने सोचा थोड़ी सी ब्लॉगिंग कर लेते हैं ताकि ब्लॉग आज का शूट हो जाए। तो मिठाइयाँ लानी है ईशानवी के लिए, ड्रेस लानी है उसके पास, वैसे न्यू है बहुत सी ड्रेस, बट हमारी इच्छा कुछ उसे अलग चीज़ दिलाने की है। तो बस हम लोग जा रहे हैं और वहाँ जाके फिर ब्लॉगिंग करते हैं और आप लोग इन्जॉय करिएगा। रियल पहनाती है क्यों ईशानवी, क्यों हमको तुम पाप में डाल रही हो? कितनी सुंदर लग रही है। और वो वहाँ पे और ये यहाँ पे ईशानवी जी क्यों भाई नहीं है अंदर, दारू में है कि सही में है? ये तो उनने फ्रॉग दिखाई है, ये कैटलॉग लगे हैं क्या? हाँ ये कैटलॉग है। हाँ भैया फ्रॉक नहीं दिखा, फ्रॉक तो उसके क्या भरपूर रखी आप, तो शरारा वही बता दो, शरारा ही टाइप में फ्रॉक तो वैसे लुक में बहुत ज़्यादा है, क्या करेंगे लोग, हाँ लुक तो पहनने में ही नहीं आती उसकी, ज़्यादा हील है यार ये तो, पर अच्छी लग रही थी। ज़्यादा हील है मैंने कहा, ज़्यादा हील है, चलते थोड़ी बनता उसमें मेरे से। लिपाई देखो, लिपू के लगा के देख रहे हैं जरा सा, लिपाई इधर दिखाओ ना, टॉकी बन गई माई जान के लिए। तो ये है छोटा साइज उसमें, ये छोटा सा है, इससे छोटा तो नहीं है। खड़े हो ना बच्चे, बच्चे जब कर
जम कर लूँ। हाँ लगा के देखते हैं, ठीक है। काफी बड़ा हो गया, बहुत बड़ा, सुंदर कितना अच्छा लग रहा है यार भाई। लिपू जी पहनेगा तो प्यारा लगेगा, नहीं ऐसे कलर इसको अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं, लगेंगे तो सही। अभी मैंने एक पीस लिया भी, पर बड़ा साइज बहुत हो रहा है, बिल्कुल इससे छोटा जरा भी नहीं है। इससे छोटे में ये ऐसे पैटर्न में ये ऊपर तो जाएगा, ये नीचे का ही है ना, ये थोड़ा बड़ा पड़ता है। ये भाई टॉप उठा के पहन आप, नहीं बेटा बॉटम, टॉप की दिक्कत नहीं है। शूज उतार दो, शूज हाँ सिलाई से थोड़ा ऊपर नहीं हो सकता? नहीं ना भाई, इसमें ये होता है इनके घेर को तुम कैसे काटोगे, मतलब इनका जो घेर है ना नीचे कैसे, हाँ इसके घेर को कैसे काटोगे, ऊपर से काट, ऊपर से क्या काटेंगे, पूरा खराब ही होगा। अगर ये बन जाए तो अपन टॉप का कोई दिक्कत नहीं अपने, चलिए थोड़ा सा उल्टा है किसी, ये बंधेगा पीछे के आगे, ये ऐसा बंधेगा तो बस बाह बाह में हाथ जाता है। हमारे लिपू जी को अनियन बॉय, अनियन बॉय कैसा लग रहा है, घर से क्या पहन के आया था, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, क्या पहन लिया शानवी ने, क्या पहने शानवी ने बताना जरा। हाँ हम उसको अच्छे से कर देंगे ना। तो गाइस इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, और ये ब्लॉग है छोटी दिवाली की नाइट से लेकर के बड़ी दिवाली की नाइट तक का, एंड इसके आगे आपको जो ये हल्की सी क्लिप लगी हुई है, ये वाली क्लिप है मेरी एक्चुअल आउटफिट की जो मैंने दिवाली पे पहना है, और पटाखे वगैरह सब कुछ आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा, इसीलिए आप नेक्स्ट ब्लॉग को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। और ये छोटी सी क्लिप मैंने इसलिए लगाई ताकि आप नेक्स्ट वीडियो में क्या दिखने वाला है थोड़ी सी कल्पना कर सकें, एंड आप वीडियो को लाइक दीजिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी दिवाली।